एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। प्रीति तिवारी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल पर मिलती हैं आप लोगों को अमेजिंग हेयर स्टाइल्स की वीडियोस। तो आज का हेयर स्टाइल है, सिर्फ 2 मिनट में आप बनाओगे बहुत ही सुंदर सा स्टाइलिश सा लो बन हेयर स्टाइल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे साइड पार्टिंग से हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ, तो मैंने साइड पार्टिंग इस तरीके से निकाल ली है। उसके बाद से अपने क्राउन एरिया से थोड़े से हेयर लेके इस तरीके से थोड़ा सा हेयर लिया है मैंने। आप लोगों का लगातार प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ पुल करते हुए, ज़्यादा ऊंचा पफ अभी नहीं चल रहा है, बट आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ऊंचा बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। मैंने यहाँ पे टिक टेक क्लिप से इसको सेट कर लिया है। आपके पास जो भी क्लिप हो आप उससे सेट कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लगा दिया है। मैं एक और क्लिप ले रही हूँ ताकि मेरा हेयर खुल ना जाए बाद में। इस तरीके से करने के बाद से साइड के हेयर को सिंपली आपको फ्लैट लुक में लेके जाना है। 2-3 क्लिप्स आप ले लीजिएगा, क्लिप की ज़रूरत पड़ सकती है इस वाले हेयर स्टाइल में, पड़ सकती है नहीं, पड़ेगी ही पड़ेगी। तो साइड से इस तरीके से हेयर को थोड़ा फ्लैट लुक देते हुए बैक साइड में लेके जाएंगे। ऑफिस गर्ल्स हैं या फिर ज़्यादा आपको मैसी सा लुक पसंद नहीं है तो ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। इस तरीके से फ्लैट लुक ले जाते हुए यहाँ पर आप क्लिप लगा दो। फिर दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से करना है आपको। अच्छे से कॉम करते हुए अगर आप ऑफिस जाते हो, साड़ी सूट पहन के जाते हो तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा हेयर स्टाइल, या फिर जींस टॉप के साथ भी काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद से सारे बालों को बैक में एक रबड़ बैंड लगा लेना है इस तरीके से। जहाँ भी लगे कि आपका हेयर थोड़ा सा खींच रहा है या फिर आपको स्कैल्प में पेन फील हो रहा है, वहाँ से थोड़ा सा हेयर इस तरीके से खींच देना चाहिए, उससे दर्द फील नहीं होता है। उसके बाद से रबड़ को यहाँ पे लगा लेंगे। इस तरीके से रबड़ को लगाने के बाद से टाइट करेंगे और नीचे की तरफ से, सॉरी, इस तरीके से करके आपको ऐसे खींचना है और इसको ऊपर की तरफ ऐसे रखना है। ओके, थोड़ा सा इसको लंबा कर देना है और बाकी बचे हेयर को जो आपका रबड़ बैंड है उसके ऊपर इस तरीके से लपेट लेना है। ओके, इसको लपेटने के बाद से एक यू पिन लेना है और यू पिन से सेट कर देना है ताकि बाहर ना निकल जाए आपका जो भी लेयर है। थोड़ा सा यूपिन को इस तरीके से तिरछा लगाइएगा ताकि आपके स्कैल्प में ना जाइए। ओके, तो ये मैंने लगा दिया। आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, काफ़ी अच्छा सा लुक आएगा, और चाहो तो इस तरीके से इसको खींचते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पे यूपिन से सेट कर देंगे। तो ये है ना, बहुत ही ईजी क्विक, 2 मिनट में, अंडर 2 मिनट्स में आप ये हेयर स्टाइल बना लोगे। तो हेयर स्टाइल हमारा कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। और अगर आपको लगे कि यहाँ से थोड़ा सा आपका निकल रहा है हेयर, तो यहाँ पे एक बार और थोड़े से हेयर को इस तरीके से पकड़ लीजिए और ऊपर की तरफ ले जाके यू पिन से सेट कर दीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ये हेयर स्टाइल जरूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा पफी लुक चाहिए तो हल्का हल्का आप इसको खींच सकते हो। बाय बाय।